नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव की सरगर्मी जैसी समाप्त हुई, नगर परिषद नगर निगम चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग एक्टिव हो चुके हैं। आपको बता दें कि पूरे झारखंड में 14 जिले ऐसे हैं जहां पर नगर निकाय, नगर परिषद, नगर पंचायत का चुनाव होना है, जिनका कार्यकाल 2020 में समाप्त हो चुका है। वहीं कई जिले ऐसे हैं जहाँ पर पार्षदों का कार्यकाल 2023 में समाप्त होगा और 5 से 6 नगर परिषद नगर पंचायत क्षेत्र है जहाँ पे प्रथम बार चुनाव होना है वहाँ पे वार्ड पार्षदों का। तो सरकार अभी इस पे विचार कर रही है, मंथन कर रही है कि तीनों का चुनाव साथ में कराया जाए या अलग अलग कराया जाए। हालांकि ये सरकार के तरफ से जो संकेत आ रहे हैं, तीनों का कंबाइंड चुनाव होगा। बरसात के बाद कभी भी आदर्श आचार संहिता लागू हो सकता है और चुनाव हो सकता है, चूँकि जो पंचायत क्षेत्र है उनका भी कार्यकाल 2020 में समाप्त हुआ था और उन लोगों का चुनाव हो चुका है, चूँकि ये ग्रामीण क्षेत्र है था। और अब जो है शहरों में चुनाव को लेकर जो निर्वाचन आयोग है, उन्होंने जितने भी कर्मचारी हैं, पदाधिकारी हैं, सबको अलर्ट मूड में रहने के लिए कह दिए हैं। निर्वाचन आयोग का कहना है कि सरकार हमारे तरफ से पूरी तैयारी है हो चुकी है, अब सरकार का जैसे ही दिशा निर्देश आएगा हम लोग चुनाव के लिए तैयार हो जाएंगे। चुनाव की पूरी तैयारी हो चुकी है। तो बहरहाल अभी हम आए हुए हैं धनबाद जिला। धनबाद जिला में वार्ड नंबर 12 है और यहाँ के जो पार्षद हैं शोभा देवी हैं, हालांकि वो नहीं हैं, क्षेत्र में गए हुए हैं, लोगों से रूबरू हो रहे हैं क्योंकि चुनाव का समय है। तो हमसे जुड़े हैं, उनके प्रतिनिधि हैं, उनसे जानते हैं कि आप के जो बहन है, आप अपनी बहन को किस तरह से इस वार्ड में डेवलपमेंट में विकास में किस तरह से मदद करते हैं। अगर बात कहें डेवलपमेंट की, विकास की, तो कितने लोगों को आपने प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, राशन कार्ड, पेंशन, सड़क, नली, गली सहित कोरोना काल में कैसे लोगों को मदद की है, ऐतिहासिक काम कौन सा हुआ, इस वार्ड की सबसे बड़ी समस्या क्या है और आगे की क्या रणनीति है, तमाम बिंदुओं पर बातचीत होगी। इसके अलावा कुछ पॉलिटिकल सवाल जवाब किया जाएगा, मानदेय, होल्डिंग टैक्स, मुख्यमंत्री की कार्यशैली योजना को लेकर, चुनाव को लेकर तमाम बिंदुओं पर बातचीत होगी। पहले तो आप अपना नाम बताइए और आप कृष्णा राउत जी। कृष्णा जी, ये बताइए कि आपकी बहन जो है शोभा देवी, आपकी बहन को जनता ने मौका दिया 5 वर्षों के लिए, क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम हुआ इन 5 वर्षों में? 5 वर्षों में जितना संसाधन सरकार के द्वारा मिला उसका भरपूर उपयोग हम लोगों ने किया। नाली और सड़क, यह सबसे बड़ी समस्या थी। हम लोगों ने लगभग हर मोहल्ले में एक एक नाली का योजना सरकार को दिया, जिस पर अमर करते हुए हम लोगों ने 5 सालों में बनवाया, कुछ सड़क भी हमने बनवाई। और लगभग हमको लगता है कि 1400 से 1500 शौचालय का निर्माण हुआ हर घर। लगभग माना जाए तो राशन कार्ड मेरे यहाँ, मगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो कम से कम 8000 से 9000 राशन कार्ड का निर्माण हुआ। पेंशन फिलहाल तो अभी 700 का लमसम अभी हम लोग बनाए हैं, अभी जो सरकार का NSSP का जो योजना चल रहा है उसके तहत 700 पेंशन हम लोगों ने बनाया है, अभी तत्काल की बात मैं कर रहा हूँ। पूर्व में भी मैंने 400 से 500 बनाया था, जिसका योजना का लाभ लाभार्थी को अभी तक मिल रहा है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा कितने लोगों को आवास मिला है अब? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम लोग कोलबेरिंग क्षेत्र में रहते हैं, ये ज़मीन BCCL की है, ये BCCL वालों का कहना। हम लोग के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है जिसके आधार पर हम प्रधानमंत्री आवास योजना ले पाए, इसलिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो पिछले मेरे कार्यकाल में 5 साल में एक भी प्रधानमंत्री आवास योजना का निर्माण नहीं हुआ। जी बताइए कि इन पाँच वर्षों में क्या कुछ ऐतिहासिक काम हुआ, या यूँ कहें कि जब से बिहार से झारखंड अलग हुआ, जो डेवलपमेंट चाहिए था, विकास चाहिए था, झारखंड का स्थापना 2000 में हुआ, 20-22 साल से ऊपर हो गया है, लेकिन जो डेवलपमेंट विकास काम होना चाहिए था, ऐतिहासिक काम होना चाहिए था, जो आपके कार्यकाल में हुआ, कोई ऐसा आपके नज़र में कुछ लगा हो कि ये जो मैंने काम किया है, मतलब आपकी जो बहन ने काम किया है, उनका नाम लोग युगों युगों तक याद करें, कोई ऐसा काम? अभी तक मेरे नज़र में तो ऐसा नहीं है, पर आने वाला समय में एक ऐसा काम है जो हम करने जा रहे हैं। हम लोग की एक बहुत बड़ी समस्या है, एक यहाँ पर क्षेत्र है मछली पट्टी बोलकर, वहाँ बरसों से पहले पूर्व में वो रेलवे लाइन था, बीच में रेलवे लाइन का जो रास्ता जो नीचे से रेलवे लाइन जा, धीरे धीरे वो जाम हो गया, जिसको हम लोग केंदुआ पुल कहते हैं, और उसका गंभीर परिणाम हुआ कि वहाँ पर बरसों से पानी जमा है।
और वहाँ का लोग बहुत त्रस्त है। हम लोगों ने अभी एक वैकल्पिक व्यवस्था का इंतजाम किया जिससे बरसात का पानी कम से कम निकल जाए। बरसात में, पिछले बरसात में तो पानी में लगभग 200 से 300 घरों का मतलब पानी घुस गया था। तो हम लोग चाह रहे हैं कि दोबारा अगर हम लोग जीत के आते हैं तो हम अपने कार्यकाल में ये ऐतिहासिक काम करें। हालांकि ऐतिहासिक काम ये कर सकते हैं कि जो केंद्र सरकार राज्य सरकार के द्वारा जो भी योजनाएँ आएँ उनको 100% अपने धरातल पर उतारने का काम किया है, यही आपके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि रही। अच्छी बात आइए कि इस वार्ड की सबसे बड़ी समस्या क्या है? इस वार्ड की सबसे बड़ी समस्या पानी। यहाँ पर माडा पर निर्भर है और माडा का जो पाइपलाइन है वो पिछले 50 साल से इसी स्थिति में है। दिन प्रतिदिन आबादी तो बढ़ती जा रही है, पाइप तो वही है। प्रधानमंत्री का एक योजना हर घर जल नल योजना जो है, नहीं प्रधानमंत्री का अमृत योजना के तहत ये कार्यक्रम हो रहा है। 161 करोड़ रुपये के टेंडर में 1 से लेकर 13 नंबर वार्ड तक में ये योजना लागू है और उसका काम चल भी रहा है। पर यही है कि बहुत धीमा स्तर पर काम चल रहा है। इसको 2020 में ही हैंड ओवर करना था सरकार को, राज्य सरकार को। हमको लगता है कि और भी विलम्ब होगा। हमको लगता है कि मार्च 2023 तक में भी ये हैंड ओवर सरकार नहीं कर पाई। बहुत धीमी गति से ये योजना चल रही है जिसका दुष्परिणाम हम लोग जनता यहाँ का भोग रहे हैं। बताइए कि अगर जनता का प्यार स्नेह लगातार अगर आपके बहन जो शोभा देवी हैं, पार्षद हैं, रहता है, भरोसा करते हैं लोग, जो डेवलपमेंट आपने विकास किया है, तो इस वार्ड को मॉडर्न ऐतिहासिक आदर्श बनाने के साथ साथ स्मार्ट वार्ड के रूप में कैसे डेवलप करेंगे? क्लीन वार्ड, ग्रीन वार्ड के रूप में कैसे डेवलप करेंगे? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है अगर स्मार्ट सिटी के तर्ज पर हम लोग स्मार्ट वार्ड का जब निर्माण करेंगे तो सबसे बड़ी उपलब्धि हम लोग के लिए होगी। हम सबसे पहले यहाँ पर हर क्षेत्र में जहाँ जहाँ चौक चौराहा है, मतलब हर 500 मीटर की दूरी पर सीसीटीवी कैमरा, एलसीडी, जहाँ चौक चौराहा है एलसीडी, और वो कैमरा उससे कनेक्ट रहे कि आप कहीं भी हो, कुछ भी हो, आप देख सकते हो ऑनलाइन स्मार्ट सिटी के टच पर। एक अनाउंसमेंट के जगह जहाँ पर पूरे वार्ड में आपको अगर अपनी बात को पहुँचानी हो, चाहे किसी को भी अपनी बात की पहुँचानी हो, तो एक मंच बना हुआ जहाँ से आप बोलेंगे तो पूरे वार्ड में ये बात जाएगी। हम लोग ने ये काम करने का सोचा है। आने वाला समय में हम लोग स्मार्ट सिटी के नाम पर हम लोग स्मार्ट वार्ड का विकास करेंगे, यही हमारी सोच है। अच्छी बात है ये कि अगर दूसरी बार जनता आपको चुन लेता है आपकी बहन को, तो क्या आप उप महापौर के लिए फाइट करेंगे, प्रसादों का समर्थन मिला? देखिए, निश्चित है कि अगर नहीं सर, मेयर के लिए मैं फाइट नहीं करूँगा। अगर डिप्टी मेयर के लिए कर सकता, अगर पार्षदों का प्यार मिला तो निश्चित रूप से हम डिप्टी मेयर के लिए प्रयास करेंगे। ये कि कोरोना काल में आपने कैसे लोगों को मदद? कोरोना काल में लगातार 3 महीने तक हमने हर गरीब के घर में, जो दैनिक मजदूर था, जो डेली कमाने खाने का काम करता था, जिसकी आर्थिक स्थिति बहुत लचर थी, जो वृद्धा था, जो विकलांग था, हम लोगों ने 3 महीने लगातार उनके घर में खाना बना के पहुँचाने का काम किया। जितने परिवार उतने लोगों के लिए पैकेट 3 महीने तक लगातार हम लोगों ने उनके घर पर पहुंचाया। ये मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है। कोरोना के कितने मरीज मिले मेरे क्षेत्र में? अगर देखा जाए जांच के हिसाब से तो हमको लगता है कि 200 से 300 मरीज हमारे क्षेत्र में थे। सभी लोग सुरक्षित हैं। मैं खुद 2 बार कोरोना पीड़ित रहा। अपने सामाजिक काम किया, लोगों के से रूबरू हुए, जाके मिले, तो मतलब इसका पॉजिटिव हुआ। मैं 2 बार पॉजिटिव, 1 बार हॉस्पिटल में रहा, 1 बार मैं घर में ही क्वारंटाइन होकर ठीक हुए। ये बताइए कि जैसा कि आप कहें कि कोरोना काल में आपने लोगों को मदद किया, तो जिस तरह से आपने मदद किया तो राज्य सरकार ने होल्डिंग टैक्स बढ़ा दिया, क्या ये सही है या इस पर विचार करना? देखिए, सरकार को निश्चित रूप से उससे विचार करना चाहिए। इतना बढ़ोतरी ठीक नहीं है, आम जनता के हित में भी कुछ काम होना चाहिए। और हम राज्य सरकार से ये मांग करते हैं कि कम से कम इसको देखे और यथाशीघ्र जितना भी हो सके कम करने का काम करें, जिससे आम जनता को भी राहत मिले। इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। अच्छी बात ये कि जनता के प्रतिनिधि आप भी हैं, जनता के प्रतिनिधि एमपी एमएलए भी हैं, तो उन लोगों को हर तरह का सुविधा मिलता है, पार्षदों को, मुखिया को, जिला पार्षद को, मेयर को, डिप्टी मेयर को केवल मानदेय मिलता है, वो भी सम्मानजनक नहीं है और वो भी समय पर नहीं। केंद्र सरकार राज्य सरकार से क्या मांग करते हैं? केंद्र सरकार राज्य सरकार से यही मांग करते हैं कि जितना भी जनप्रतिनिधि है, खास करके जो निचला स्तर का है, जैसे मैं कहना चाहूँगा मुखिया, पार्षद, वार्ड सदस्य,
इन लोगों का मानदेय अगर देखा जाए तो शून्य। पार्षद का मानदेय 7,000, मुखिया का मानदेय 2,000, चाहे जिला परिषद सदस्य हो उसका हो 8,000। तो मेरे कहने का मतलब है कि इतने में तो एक महीने का तेल भी नहीं आता है साहब। तो मेरे कहने का मतलब है कि कम से कम उसको भी सम्मानजनक वेतन मान मिले। अच्छी बताइए कि जब से झारखंड राज्य का गठन हुआ है तब से कई मुख्यमंत्री आए और गए, काम के मामले में, विकास के मामले में आपके नजर में बेहतर मुख्यमंत्री कौन? देखिए, पूर्व में रघुवर दास के समय कार्यकाल में जो विकास हुआ बहुत ही, मगर बोला जाए जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। और हम चाहते हैं कि ये सरकार से भी, हम ये भी मांग करते हैं कि ये भी विकास के और ध्यान दे। जितना भी बचा हुआ काम है आज तक, एक आप बहुत चर्चे का विषय है, आपने सुना होगा गया पुल का नाम, इतना जाम रहता आज तक। माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के कार्यकाल में ये योजना का DPR बना, पर आज तक इसको अमल नहीं किया गया। क्या कारण है मैं नहीं जानता, पर आज तक अमल नहीं किया, जिसका भुक्तभोगी यहाँ का जनता है। अगर कोई बीमार पड़ जाता, अगर हॉस्पिटल ले जाना है, अगर 10 और 12 के बीच का अगर समय होता है तो आफत है कि गया पुल पार करना। इस स्थिति में मरीज का जान चला जाता है, दोषी कौन है? कहा जाए कि आपके नज़र में अगर 2000 से लेकर के 2022 तक के कई मुख्यमंत्री आए और गए, लेकिन रघुवर सरकार में बेहतर काम हुआ, उसका कार्यकाल बहुत ही प्रशंसनीय है। अच्छी बात ये कि जनता जनार्दन होती है, पंचायत मुखिया जिला परिषद प्रमुख का जो कार्यकाल 2020 में समाप्त हुआ और आप लोग का भी कार्यकाल 2020 में ही समाप्त हुआ, तो उन लोगों का चुनाव हो गया और आप लोग के चुनाव में अभी ये जो सरकार है ये एक आंख में सुरमा है, कहीं जात मतलब भेदभाव तो नहीं हो रहा? एकदम निश्चित भेदभाव हुआ, एक आंख में सुरमा एक आंख में काजल वाली बात है। जब मुखिया का कार्यकाल समाप्त हुआ उसको 6-6 महीने का 2 बार एक्सटेंशन दिया गया। क्यों दिया गया, क्या कारण था? उसके पहले ही पार्षद का चुनाव खत्म, उनको क्यों नहीं दिया गया? उनको भी आप कैबिनेट में पास करके उसको भी आप एक्सटेंशन दे सकते थे, पर ऐसा आपने नहीं किया। आपने बोर्ड को भंग करके यहाँ अफसरशाही कानून लागू कर दिया, जिसका नजायज फायदा यहाँ का आयुक्त उठा रहे हैं और तरह तरह का नया फैसला रोज जनता के माथे मर रहे हैं। ये तो साफ मेरा कहना है कि एक आंख में सुरमा एक आंख में काजल वाली सरकार है। जी बताइए कि बिहार में जिस तरह से सत्ता परिवर्तन हुआ है, क्या यहाँ भी ऐसा कुछ सिचुएशन बन रहा है? आपको बता दें कि कांग्रेस के भी 2-3 विधायक हैं जो पैसों के साथ गिरफ्तार हुए, सिचुएशन तो ऐसा बन रहा था, लेकिन क्या लग रहा है आपको? देखिए सर, जब घर में विभीषण पैदा हो जाएगा तो रावण का बचने का संभावना नहीं है, तो ये साफ बात है। जब इसका घर में ही विभीषण है, जिसका सरकार चल रहा है खुद उसी के घर में विभीषण, उन्हीं का विधायक बंगाल में पैसा लेते हुए पकड़ा जाता है, तो इससे बड़ी और क्या बड़ी बात होगी जो सरकार के विरुद्ध में ही सरकार के लोग काम कर रहे हैं। तो इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि जिस घर में विभीषण पैदा हो गया रावण की बचने की संभावना नहीं। पूरे राजनीति की बात मैं करता हूँ, पार्टी लेवल पे नहीं, जनता आपको चुनती है और आप पलटी मार देते हैं, इस पार्टी से जा करके उस पार्टी में मिल जाते हैं, या आपको जनता मान लीजिए कि JMM का है या BJP का है, जो भी हो, तो जनता मैंडेट देता है कि आप हमारे क्षेत्र के विधायक हैं, आप हमारे क्षेत्र के सांसद हैं, और उसके बाद फिर जब ऊपरे यहाँ पे जो आप लोग खर्च करते हैं, खर्च करने के बाद ऊपर जाते हैं और वहाँ पे पैसों के चक्कर में बिक जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र के लिए खतरा है, इसके बारे में क्या कहें? देखिए सीधी सी बात है भैया, अगर जनता अपना मत देता है, जनता तो ईमानदारी से आपको मत दिया, अगर आप कुछ गलत करते तो आने वाला समय में आपको आईना दिखाने का काम भी जनता ही करेगी। ये मैं निश्चित रूप से कहता हूँ कि आने वाला समय आपके लिए खराब होगा अगर जनता के बातों पर आप ध्यान नहीं देंगे। अगर जनता जिस काम के लिए आपको चुन के भेजी है उस काम पर आप ध्यान नहीं देंगे, सिर्फ अपना निजी स्वार्थ के लिए मरेंगे, तो आने वाला समय में जनता आपको अपना आपका आईना दिखाने का काम करेगी। तो आपने सुना कि जिस तरह से वार्ड पार्षद के प्रतिनिधि हैं, इन्होंने क्या कुछ कहा वार्ड के डेवलपमेंट को लेकर, विकास को लेकर, और आगे की क्या रणनीति है, इन मुद्दों पर इन्होंने बेबाक रूप से रखने का काम किया है, और कुछ पॉलिटिकल सवाल जब किया गया मुख्यमंत्री की कार्यशैली को लेकर, होल्डिंग टैक्स को लेकर, मानदेय को लेकर, चुनाव को लेकर, इन मुद्दों पे भी इन्होंने बेबाक रूप से रखने का काम किया है। तो चलते हैं दूसरे पार्षद के पास, उनसे जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ
डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया और आगे की क्या रणनीति है, तमाम बिंदुओं पे उनसे भी बातचीत होगी। आपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए धन्यवाद सर। तो अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबाए, ताकि हर छोटी बड़ी खबरों शुरू बढ़ हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया।